आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह सच्ची हूँ। तो आप अमन को देख सकते हैं, ओरियो भी सड़ी हुई सी, क्योंकि ये अभी रेडी नहीं हुई है और हम लोग जा रहे हैं आज रिसेप्शन में, है ना अमन? कहाँ जा रहे हो? दुल्हन के पास। दुल्हन पास, दुल्हन के पास। तो जल्दी से जाओ अमन, रेडी होकर आओ। और मैं भी जा रही हूँ रेडी होने। गाइस आप देख सकते हैं कि मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ और आज मैंने जो है थोड़ा सा पिंक मेकअप किया है। तो मैं आपको अपना पूरा आउटफिट दिखाती हूँ, क्योंकि मैं दिखाना भूल गई थी और मैंने पहन लिया, वेयर कर लिया। तो अभी मैं आपको अपना पूरा आउटफिट दिखाती हूँ, मेरा पूरा आउटफिट। तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ और मेरा आउटफिट। थोड़ी सी मैं मोटी नहीं, मैं एक्चुअली कैमरे में मोटी लगती हूँ, वैसे मैं बहुत स्लिम हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं ये रही भाभी। तो चलिए आज इंट्रोड्यूस कराते हैं फैमिली से। ये ब्लू में जो है ये सबसे बड़ी वाली सिस्टर है, ये बिंजापी, ये है फरापी, ये मम्मी, और ये रहे बच्चे, और उसके बाद है इकरापी। ये देखिए ये आ चुकी है, इनका नाम इकरा है, और ये रही मैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए, सेल्फी ली। ये मेरी चाची हैं, ये एक रिलेटिव्स हैं, आप ही एक कज़िन हैं हमारी, और यहाँ पे मेरा व्लॉग शूट कर रही हैं आप ही। तो यहाँ पे सबके साथ हमने बहुत इंजॉय किया। और ये है मेरी कज़िन फुप्पी की बेटी। अमन को देखिए बहुत रो रही थी, इसे अच्छा नहीं लग रहा था शादी में। उसके बाद मैं गई गोलगप्पे वाले स्टॉल पर। आपको तो पता ही है गोलगप्पे मेरे फेवरेट हैं, और मैं भैया से बोल रही थी छोटे गोलगप्पे देना। फिर मैंने थोड़ी सी बिरयानी ली, और बिरयानी लेते लेते ही मेरे पास सब आ गए थे फ़ोटोज़ और सेल्फीज़ के लिए। तो मैंने थोड़ा सा पहले खाना अवॉइड किया, और उसके बाद, और मेरा व्लॉग शूट कर रहे हैं अर्श। और आपको पता ही है कि मैं हमेशा स्टेज पे जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो मैं बहाने बहाने से कभी किसी के साथ स्टेज पे जा रही थी, कभी किसी के साथ, और कभी कोई और मुझे बुलाए जा रहे थे। उसके बाद ये जनाब आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। इनको मैंने ऊपर बुलाया, ये नीचे थे जेंट्स में, क्योंकि लेडीज़ और जेंट्स का अलग अलग फंक्शन था। तो ये नीचे थे, इन्हें बहुत मुश्किल से ऊपर बुलाया, ये आप ही और ये सब सेल्फीज़ ले रहे हैं। उसके बाद मैं दोबारा जो है स्टेज पर चढ़ी इनके साथ। इनके साथ भी मैंने फ़ोटोज़ ली और सेल्फीज़ ली, और हमने बहुत सारा वीडियोस भी बनवाए, बहुत सारे फ़ोटोज़ भी लिए, हमने बहुत इन्जॉय किया। और यहाँ मैं दे रही थी भाभी को गिफ्ट। तो ये देखिए कैसे स्टाइल में बैठे हैं, और मुझे देखिए मैं कितनी मोटी लग रही हूँ, बट मैं बहुत स्लिम हूँ, मैं यहाँ पर ही मोटी लगती हूँ। और हमारे बाहर आते शेल के साथ सब ने फ़ोटोज़ लिए, उनको घेर लिया था, और यहाँ पर मेरे फ़ोटो सेल्फीज फिर शुरू हो गए, आप देख सकते हैं। लेकिन हमने बहुत इंजॉय किया, मस्ती कर रहे थे हम, बहुत मज़ा आया सबके साथ। मैं भी फ़ोटोज़ ले रही थी, सेल्फीज़ ले रही थी, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और जीजू जो हैं बहुत देर बाद मुझे मिले, इसलिए उनको पकड़ कर मैंने उनके साथ फ़ोटोज़ ले रही थी। और ये देख सकते हैं अमन का फुल लुक, जो कि बहुत ही क्यूट लग रही थी। तो जीजू के आते ही आपी भी आ गई, वो कहती हैं कि मैं पीछे क्यों रहूं। फिर हमने इनके साथ भी फोटोज लिए। उसके बाद जो है आपी, मैं, हम सब यहाँ पे खड़े होकर कॉफी पी रहे थे। और मेरी कॉफ़ी लेके ये मैडम पी रही। और उसके बाद मुझे भी फिर सब ले गए कि आपके साथ भी फ़ोटोज़ लेनी है। तो मुझे भी अच्छा लगा कि मैं भी थोड़ी सी फेमस हूँ, मेरे साथ भी सब लेना चाहते हैं। वैसे सब शेल के साथ ही ले रहे थे फ़ोटोज़। तो ये देखिए, ये थे हमारे दूर के कज़िन्स, ब्रदर सिस्टर्स। तो इनके साथ भी हमने सेल्फीज़ फ़ोटोज़ लिए, वीडियो भी बनाई, और काफ़ी दूर से आए हुए थे ये लोग। सो फाइनली हम लोग अभी छुप कर बैठे थे, लेकिन यहाँ पर भी हमें फ़ोटोज़ और वीडियोस ले रहे थे सब। लेकिन हम फ़िलहाल अभी बैठ गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे थे इस वजह से। और खाना मैंने थोड़ा सा ही खाया था, आपको दिखा दिया था कि मैंने थोड़ा सा इतना सही तू सही राइस खाए थे बस, और गोलगप्पे खाए थे, क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा था, और मैं खाना जो है नहीं खा पाती हूँ शादी में जाकर।
और ये मेरी फुप्पी की बेटी है आपी, और ये भी आपी हैं, ये मेरी फेवरेट आपी हैं, ये मुझे बहुत पसंद है। आपी, how to feel आपी, आपको कैसा फील हो रहा है? आप सबको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। गाइस, कैसा फील हो रहा है? मेहनत करते हुए, और किसे चाहिए तुम बैठ जाओ। गाइस, क्या हाल है? और यहाँ मैं टायर्ड फील कर रही थी तो मैं आपी के पास बस लेट गई थी, और मम्मी को लग रहा था मैं फोटोज ले रही हूँ, मम्मी को ये नहीं पता कि मैं व्लॉग्स बना रही हूँ। और आपी यहाँ अपने आप को सेट करने में लगी हुई है कि कैमरे पे वो किसी तरह प्यारी दिखे, वो बुरी नहीं दिखे। उनको लग रहा था कि वो अच्छी दिखनी चाहिए। और ये देखिए मेरी मम्मी ब्यूटीफुल सी, उनका लुक पूरा आप देख सकते हैं, ये मैंने उनको डिज़ाइन किया था। और ये रही आपी, मेरी फुप्पी की बेटी। तो ये देखिए अभी मैं फिर से स्टेज पर आ चुकी हूँ क्योंकि हमारे ग्रूम की एंट्री हो चुकी है। ये देखिए पूरे टाइम तक ये नहीं थे, अभी आए थे। और यहाँ हो रही है भाभी की विदाई, मीन्स वो अपने घर जा रही हैं क्योंकि वलीमे में हमारे यहाँ अपने घर भेज देते हैं, तो वो घर जा रही हैं। और उसके बाद चौथी होगी तो वो वापस से ससुराल आएंगे अपनी। और यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं बच्चों से मज़े। घूम कर दिखाओ थोड़ा। अश्वी, परेशान कुछ नहीं बचा करने के लिए। हम लोग जा रहे हैं घर, शैल को, राफी को, मोनिक जीजू को, पापा को। और ये देखिए कितना टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, और मैं चल रही हूँ यहाँ, और जैसे कि मैं आपको अपनी सैंडल्स वेयर करके जरूर दिखाती हूँ। फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं, और ये देखिए सब हम लोग बैठे हुए हैं। बस मैं अब चेंज करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत टायर्ड फील हो रहा है, और इनसे देखो इन्होंने तो चेंज भी कर ली। बहुत बुरा हाल हो रहा है मेरा, सच में इतना हैवी लग रहा है सब। अब मैं ये सब झमेला जो है ना मेरा, मैं सब उतारने वाली हूँ, बहुत ज्यादा। हाँ, आई लव यू बोल दो। तो गाइज आप लोग मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, और मेरा लुक कैसा लग रहा है वो भी आप प्लीज मुझे बताना। आज मैंने पूरा पिंक मेकअप किया है प्लस न्यूड। तो ये सब लोग जा रहे हैं अब घर अपने। बाय बाय। रात नीचे आ गई क्योंकि मेरा मोबाइल कवर जो है रह गया था। और ये देखिए कौन सी चप्पलें पहन कर आ गई मैंने। प्लीज अब तो गाड़ी क्लीन मत करो, आपको क्या परेशानी? गाड़ी क्लीन नहीं कर रहा यार, जंग लग जाएगा इसके। अल्लाह शैल, हद है आपसे, रात के 2 बज रहे हैं, कोई गली में कोई इंसान नहीं दिख रहा है अभी। और मैं जो है अभी घर पे ही रुक रही हूँ, मैं नहीं जा रही हूँ, मैं इनके साथ नहीं जा रही हूँ, मैं घर यहीं रुक रही हूँ क्योंकि मुझे घर में है बहुत सारा काम। बाय, ठीक है। तो चलिए अभी मैं सब चेंज कर रही हूँ, आप लोगों, अब मैं बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ। आप लोगों से मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए। बाय।